मैंने सोचा क्यों ना आपको एक अच्छी जगह घुमा कर लाया जाए, वो जगह है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवलिंग यासीन। और पार्टी और साथियों, अभी शाम के बज चुके हैं 6 और मैं अभी जो है खाना खाकर आ रहा हूँ। शाम का नहीं, दोपहर का। अरे इतनी लेट कौन खाता खाना दोपहर का यासीन? मैं खाता हूँ पार्टी, मैं, क्योंकि दरअसल क्या, सुबह नाश्ता किया था जल्दी, उसके बाद से जो हिम्मत नहीं पड़ी उठने की, तो ड्यूटी भी नहीं लगी थी और मेरा कुछ ऐसा काम भी नहीं था जो बाहर जाया जाए, लेकिन फिर ड्यूटी नहीं लगनी थी। आज सुबह नाश्ता जल्दी इसलिए किया था क्योंकि रात भर जो है मैं जागा था, क्योंकि अभी कल वाले ब्लॉग में देखा था मैंने, करक जो पी थी कोबर कॉर्निस पे, उसने मुझे सोने नहीं दिया था। सिर्फ मैं चाय इसलिए नहीं पीता हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा हार्ड बन जाती है तो फिर नींद नहीं आती, इस वजह से जो है जल्दी नाश्ता करके फिर सो गया और फिर सोता रहा और ड्यूटी लगी नहीं। अभी ड्यूटी नहीं लगनी थी तो फिर मैं खाना खा आया दोपहर का, शाम का भी बाकी है, शायद देर से लगेगी ड्यूटी। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना आपको एक अच्छी जगह घुमा कर लाया जाए, वो जगह है मेरा रूम। तो आज का ब्लॉग जो रहेगा मेरे रूम में रहेगा। वैसे आप सभी वाकिफ होंगे सऊदी में ड्राइवर जो होते हैं उनके रूमों से, कि उनका रूम कितना बड़ा होता है और क्या क्या चीज होती है उनके रूम में, तो कुछ ऐसे ही रूम हमारा है। तो मैं आज आपको कराने वाला हूँ अपना रूम का टूर। रूम छोटा है लेकिन उसमें सारी चीजें बताऊंगा, क्या क्या चीजें मौजूद है क्या क्या नहीं। वैसे एक बात बता दूं, रूम पे ज्यादा सामान नहीं है, सामान इसलिए नहीं है क्योंकि मैं खाना रूम पे नहीं बनाता, बाकी चीजों से मैं आपका तारुफ कराऊंगा। तो चलिए देर ना करते हुए चलते हैं रूम पे और देखते हैं आज हमारा रूम। तो ऊपर चढ़ने के बाद जो है ये दूसरा गेट है, ये ज्यादातर तो लॉक ही रहता है। उसके बाद अंदर आने के बाद ये फर्स्ट टॉयलेट है, ये सेकंड टॉयलेट है और वो थर्ड है, मैं उसी को यूज करता हूँ। ये इधर रूम है, ये केरला के हैं, दूसरे भी केरला के हैं। इन दोनों रूम में जो है इलेक्ट्रीशियन है और प्लम्बर है, और कुछ यहाँ से शुरू होता है किचन। ये किचन मेरा नहीं है वैसे, निसार भाई करके केरला से, माशाल्लाह बहुत ही अच्छे बंदे हैं, ये उनका किचन है। और ये है इस किचन का सिंक, जो कि सभी लोग यूज करते हैं, जितने भी रूम पर हैं, यहाँ जितने भी रूम वाले हैं सभी इसको यूज करते हैं। और ये टेम्परेरी सब सामान ऐसा का ऐसी रखा है जिसने बनाया है दोपहर में। दूसरा चूल्हा, तीसरा चूल्हा और छोटा सा वो बच्चा चूल्हा, वो मेरा है क्योंकि मैं सिर्फ ऑमलेट बनाता हूँ सुबह में, बस इसलिए वो छोटा है। बाकी ये सब सिलेंडर है इनके रखे हुए। और ये इनके रूम वालों के सामान है ये सारे। अब ज्यादातर तो ऐसे ही होता है टेम्परेरी। अभी एक रूम वो जो है खाली है, उसमें शायद आने वाला है एक दो दिन में कोई बंदा। और यहाँ से शुरू होता है मेरा रूम 6 नंबर। ये जो है जूते और सैंडल रखे हैं अपने। और कुछ यूं दिखता हमारा रूम। सबसे पहले रूम में आते ही ये एसी का जो है रिमोट कंट्रोल है, उसके बाद ये लाइट का स्विच है, ये एसी का, और ये है हमारी स्प्लिट एसी, जो कि साली ज्यादा ठंडा भी नहीं करती है। खैर करती है, लेकिन हमें जो तो बहुत ज्यादा ठंडी चाहिए ना, ज्यादा ठंड में होती है ना, ठंडी ठंडी करती है बिल्कुल, ठंड वो वाली चाहिए, लेकिन खैर नो प्रॉब्लम। और ये हमारा है टेबल। ये अब आप देख रहे होंगे ये क्या चीज लटकी हुई है भाई, तो ये मैं आपको बता दूं, ये है थैली। जैसे जो भी ट्रस होता है यहाँ से एक थैली निकालते हैं और उधर रख देते हैं, जैसे कि अभी रखी है। ये है सर में डालने का तेल, कंघा, टूथब्रश, टूथपेस्ट, और ये डेली की निकलने वाली कॉइन्स। और ये हमारे कुछ इस तरीके से रखे हुए कपड़े जो कि प्रेस करके रखे हुए। और ये हमारी एसेसरीज, उधर गाड़ी की उधर गाड़ी, और ये पर्स। तो ये बस इतना बड़ा है ये रूम हमारा, इसमें क्या है कुछ भी नहीं है। उधर कपड़े हैंग करने के लिए, उधर हमारे ये सूट, उधर ये मेरे शूज जो कि सूट पर पहने जाते हैं वो मैचिंग के, और इधर है ये गद्दा यानी बिछाने वाला, यानी तो यहाँ को समेट कर रख दिया जाता है ये दिन में। और उसके बाद ये है मेरा ब्लैंकेट, उधर जो है मेरी डायरी, उधर वो जो है बादाम वाली खजूर है, इधर जो है लैपटॉप ही अपना, इधर ये चश्मा, उधर पेन है। ये जो रखा है सामान ये कभी यूज नहीं होने वाला सामान है, मतलब जैसे गावा के लिए वो थर्मस बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं खैर मुझे पता नहीं। और इधर ये चाकू वगैरह रखे हैं, लेके तो मैं ऐसा आया जैसे रोज खाना बनाऊंगा, लेकिन एक दिन भी यूज नहीं हो पाए ये वाले। तो वो पानी इतना इसलिए रखा है, जैसे गाड़ी में लेता हूँ मैं, जैसे ज्यादा करके लेता हूँ मैं, तो जो बच जाता है वो जो है रूम पर ले आता हूँ।
इधर ये तेल वगैरह खाली है, सीसी देख रहे हो ना, है ना, उधर रखी है अभी दो, ये नमक उधर रखी है, प्याज और ये रखी है रोटी, मतलब जो कबाबों के साथ मिलती है, तो मैं इसको लेकर आया था। अब ये सूख जाएगी तो इसमें दूध के साथ फिलो के खाऊंगा सुबह में, अच्छा रहता है बहुत। उसके बाद भगोना भी ऐसे ही रखा है। ये बड़ी बोतल जो है खाली हो गई है, तो जैसे खाली हो गई तो ये वाला पी लेता हूँ मैं। एक दिन जैसे अभी पीछे पूरी बोतल खाली हो गई थी, तो ये मैं जो है लगभग 20 घंटे में सारी बोतलें खत्म कर गया था इतनी, तो ये फिर दोबारा लेकर आया मैं। उसके बाद जो हमारा वो रखा है सर्फ वगैरह, दो डब्बे एक्स्ट्रा, एक डब्बा एक्स्ट्रा है और एक यूज हो रहा मुकम्मल तरीके से। तो बस ये था हमारा छोटा सा रूम जिसमें कि कुछ भी नहीं है ऐसा खास। तो साथियों ये था मेरे एक छोटे से रूम का टूर जो कि मैंने अभी दिखाया। वैसे इसमें कुछ खास नहीं था दिखाने के लिए, ना ही कोई सामान था इसमें जो कि बहुत ज्यादा होता, लेकिन मैं आपको यहाँ बताता चलूं कि सऊदी अरब में या फिर जो भी गल्फ कंट्री में रह रहे हैं ट्रैवलर, उनके सारे रूम ऐसे ही होते हैं। खैर ये रूम तो मेरा अपना पर्सनली है जो कि हम खुद पे कर रहे हैं इसका, और इसका चार्ज लगभग आई थिंक 650 रियाल तक पहुंच जाता है। 583 रियाल का चार्ज गया है महीने जो, और फिर ये जो है रूम मेरा पर्सनली है, इसमें कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, कोई दूर लॉक करने वाला नहीं, कोई ये नहीं कि लाइट जल रही है इसकी बुझ रही है, समझ रहे हो ना, बाकी तो सब फर्स्ट क्लास है। तो आई होप सो कि इस वीडियो में जो है ऐसा कुछ भी नहीं था खास जिससे कि आपको ये वीडियो अच्छी लगे, लेकिन मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि मेरा रूम यहाँ पर कैसा है कैसा नहीं। खैर अल्हम्दुलिल्लाह वैसे इतना है कि दिल को तसल्ली है कि अपना है, कैसी हो सो कैसी हो लेटो जैसे भी अपनी मर्जी है। और क्या है कि ड्राइवरों के ज्यादा रूम जो होते हैं वो छोटे छोटे ही होते हैं यहाँ पर, किसी किसी के होते हैं 10% ऐसा समझ लो, जिनका रूम जो बहुत ज्यादा बड़ा है, तो बाकी तो सब छोटे छोटे होते हैं, एडजस्ट करना ही पड़ता। और फिर मेरे रूम में अब आप सोच रहे होंगे मेरे रूम में सामान तो है नहीं, तो फिर मैं आपको बताता चलूं कि मेरे रूम में जो है सामान इसलिए नहीं है कि मैं रूम पर खाना नहीं बनाता, मैं सिर्फ सुबह को ऑमलेट बनाता हूं, उसका सामान जो है मेरे पास है। अब आप सोच रहे होंगे यार यासीन अंडे तो है नहीं, खाली क्रेट दिखा दी, पार्टी और साथी सुबह ही खत्म हुए थे, तो इसलिए रात को जाएंगे ड्यूटी पर तो लेकर आएंगे, फिर तो ये क्रेट जो है फिर फुल हो जाएगी। तो खैर बस ये था हमारे एक छोटे से रूम का टूर, और इसका चार्ज आपको बताता चलूं, इसका चार्ज है आई थिंक पिछले महीने जो गया 583 रियाल गया है, जिसमें कि 400 रियाल जो है इसका परमानेंट रूम चार्ज है, 30 रियाल जो है पानी का बिल है, और बाकी जो है इलेक्ट्रिक बिल है। अब इस महीने देखना है कि इस महीने कितना आएगा, ज्यादा आएगा या फिर कम, क्योंकि मेरी एसी जो चलती है ज्यादातर जब तक रूम पर रहता हूँ एसी चलती रहती है, तो इसलिए जो है ये और भी ज्यादा चार्ज आता। तो खैर नो प्रॉब्लम, एडजस्ट तो हो ही रहा है, बाकी भी एडजस्ट कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। आई होप सो कि इस वीडियो में आपने एंजॉय नहीं किया होगा क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं था ऐसा खाने पीने वाला, तो इसलिए ये वाला ब्लॉग करते हैं यहाँ पे एंड। मिलते हैं फिर हम अपने एक नेक्स्ट ब्लॉग में जिसमें हम कुछ ना कुछ खा रहे होंगे, किसी ना किसी चीज का टेस्ट कर रहे होंगे, वो चाहे कॉफी हो या फिर खाना हो या फिर कुछ भी हो। खैर इंशाल्लाह तब तक के लिए खुदा हाफिज, टेक केयर, अल्लाह मासलाम, वाकई तो अल्हम्दुलिल्लाह सब फर्स्ट क्लास है।